बच्चों आज हम प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ते क्या कहता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उनको पढ़ो और बताओ कि क्या वो सही है या नहीं। आपकी देखो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें रिवाइज होने वाली है। कैसे, पहला देखो जो स्टेटमेंट है, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। क्या हम अगर तीन ऑड नंबर को ऐड कर देते हैं, सम करते हैं, तो वो इवन आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले तीन ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर क्या है, जैसे 3 + 1 + 5, ये क्या है, तीन ऑड नंबर है ना। यहाँ पे हमने इनको क्या किया, ऐड किया, तो एक रिजल्ट देखते क्या आता है हमारे पास, 3 + 1 = 4 + 5 हो गया 9। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक ऑड नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, जी हाँ आप सही कह रहे हो कि तीन ऑड नंबर को जब भी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। आगे चलो, द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। अगर हम अब क्या करें, दो ऑड नंबर ले और अब साथ में क्या करते हैं, जो तीसरा नंबर है वो अब क्या है, इवन है, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, यानी कि 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ इनका सम जो आएगा वो क्या इवन होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये हमने इवन ले लिया, 2 ऑड 1 इवन, रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, 4 + 5 + 3 = 8 और 8 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर। और उसने यही कहा है कि वो इवन नंबर है क्या, जी हाँ वो एक इवन नंबर ही है, तो ट्रू हो जाएगा। ओके आगे चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर हम 3 ऑड नंबर को ऐड करें तो क्या होने वाला है, इस टाइम हमसे प्रोडक्ट बोला गया है ना, तो प्रोडक्ट करके देखते तीन का, 3 ऑड नंबर का, 3, 1, 1 भी तो ऑड नंबर है एंड 5। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना हम। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 1 = 3, देन 3 × 5 क्या आएगा हमारे पास, 15। 15 क्या है हमारे पास, एक ऑड नंबर। तो हमें रिजल्ट में भी ऑड नंबर ही मिला। उसने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। जी हाँ ये भी सही है। आगे चले, अब देखो, इफ एन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करें 2 से, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। तो जो क्वेश्चन आएगा क्या वो ऑलवेज ऑड आएगा, देख लेते हैं जी। आइए, अगर किसी इवन नंबर को, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं, जैसे 6 लिया, 6 को डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, यहां पे 3, ये क्या है, एक हमारे पास एक ये है हमारे पास एक ऑड नंबर। ठीक है, ऐसे कोई और ट्राई कर लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 2 से किया तो कितने पे जाएगा, 9 पे, क्वेश्चन क्या है, 9, ये भी क्या एक ऑड नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके आगे चलो, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड है, देख लेते हैं। प्राइम नंबर लिखना शुरू करें हमारे, ठीक है जी, सबसे पहले लेंगे हम क्या आता है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, बट ये प्राइम नंबर भी तो है, तो यहाँ पे तो क्या बोला, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड होते हैं, नहीं, जो पहला ही हमारे पास प्राइम नंबर है वो ही इवन है, तो कैसे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे हमारे पास जो मर्जी आए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो एक से या सिर्फ वो अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2 और 3 ले लेते, ये हमारे क्या प्राइम नंबर, देखो अब 2 क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, ऐसे 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3, तो यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी यही कहती है कि प्राइम नंबर के हमेशा दो ही फैक्टर होंगे, एक क्या होगा, एक नंबर, क्योंकि वो एक के टेबल में आते हैं, और दूसरा क्या होगा, वो नंबर जो खुद वो है, ठीक है, खुद इट्सेल्फ, तो दो फैक्टर्स हमेशा इसके होते ही होते, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, फॉल्स। ओके आगे चले, सम ऑफ टू
प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे दो प्राइम नंबर है 2 + 3, इसको हम ऐड करते हैं। सपोज करो 2 + 3, ये क्या है मेरे पास 5, ये क्या है एक इवन नंबर या ऑड नंबर, ये है हमारे पास एक ऑड नंबर। बट बोला गया कि हमेशा क्या इवन होगा, जो पहले ही दो हमारे पास प्राइम नंबर है उनको ही ऐड करके हमें ऑड मिल रहा है, तो इवन कैसे बोलेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स। ओके आगे चलो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। देखो इवन मतलब यानी 2 से डिवाइड होने वाले। अब 2 के बाद आता है, मान लो 2 के बाद क्या आता है 3 प्राइम नंबर, देन 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 17 एंड सो ऑन जो भी आएंगे। हमने क्या देखा, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे क्या है हमारे पास ओड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ओके आगे चलते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये देखो, ये बच्चों को कई बार डाउट हो जाता है, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास इस टाइम प्राइम नंबर है उनको छोड़ दो, तो हमारे जो बचे हुए नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, वो कहता है इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि पहले है 2, तो 2 क्या कोई कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए क्या देखेंगे कि क्या 2 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो एक कंपोजिट नंबर है। बट 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो कैसे कहते हैं कंपोजिट नंबर है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, फॉल्स हो जाता है 2 की वजह से, कि 2 क्या एक इवन हमारे पास प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, वो कहते हैं 2 इवन नंबर लो, आप 2 और 6 ले लिया, 2 इवन नंबर है, उनका प्रोडक्ट करना है, तो क्या कहता है कि इसका क्या रिजल्ट ऑलवेज इवन ही आएगा। यहाँ पे तो इवन आ रहा है, ऐसे कोई और ले लेते हैं, 4 × 8 ले लेते हैं, क्या आएगा 32, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इवन ही आएगा, तो ये क्या है ट्रू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन कि कैसे पता लगाना स्टेटमेंट में कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जल्दी करेंगे अगली वीडियो, प्लीज़ इतने तब तक इसको अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, यही काम आने वाले आगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।